हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? चलिए आज आपको एक फिजिक्स का नया टॉपिक मैं बताता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सपोज करिए बच्चों, एक आपका स्ट्रेट पाथ है जिस पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अगर इस पर एक कांस्टेंट स्पीड से अगर आप दौड़ रहे हैं इस पे, तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब जिस स्पीड से आप चल रहे हैं तो बदलाव नहीं कर रहे हैं। सपोज करिए यहाँ से स्टार्ट किए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो यहाँ भी स्पीड आपकी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड है। यहाँ भी स्पीड आपकी जो क्या होगी? 5 मीटर पर सेकंड। मतलब ए से बीच के किसी भी पॉइंट पर आपकी स्पीड क्या है? कॉन्स्टेंट है, बदल नहीं रही है। एक सिमिलर स्पीड से, एक सेम स्पीड से आप ए से बी तक पहुंच गए, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब एक बात और आती है, क्या यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सलरेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर एक्सलरेशन ए इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा? वेलोसिटी में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रही है। खैर, तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? चलिए, यहां से कोई ऑब्जेक्ट है, अगर यहां से ए तक आना है, सपोज करो कि यहां से यहां तक उसने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला, यहां पर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला, इस दूरी को उसने 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर किया, यहाँ पर क्या हुआ? 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर किया, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं। तो दोनों में बेसिक अंतर ये है कि ये आपका क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड से अपने ट्रैक पे चल रहा है, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो स्पीड है क्या वेरिएबल है, वो चेंज हो रही है। तो अच्छा, यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन होगा? यस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पीड का चेंज हो रहा है टाइम के साथ, क्या हो रहा है? स्पीड भी चेंज हो रहा है। तो ये दोनों का बेसिक अंतर है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। दोनों में ये